दोस्तों मोदी जी पीएम बन चुके हैं, एनडीए की सरकार बन चुकी है, मोदी जी ने अपना कामकाज भी शुरू कर दिया है। लेकिन अब लगातार सूत्रों के हवाले से जो रिस कर खबरें आ रही हैं वो ऐसी आ रही हैं जो बताती हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बीच तो वैसे ही कुछ ठीक नहीं था, कभी पिछले 10 सालों में वैसे भी कुछ बहुत अच्छा नहीं था, वो तो अब सतह पर आ गया, लेकिन बीजेपी के अंदर भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर आई है जो इस बात की ओर इशारा करती है कि दरअसल 2024 के जब नतीजे आए ना तो तैयारी ऐसी थी कि मोदी जी को पीएम नहीं बनने देना है, और इसके लिए जो पहला कदम था वो बीजेपी के अंदर से उठा था। लेकिन कैसे एक रात में पूरा का पूरा खेल पलटा गया, सब कुछ तफसील से मैं आज आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों केपी मलिक देश के बड़े पत्रकारों में से एक हैं, और दोस्तों केपी मलिक को आप कई YouTube चैनल्स में सुनते रहे, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। केपी मलिक की बात को मैं यहाँ पर इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब कोई समाजवादी पार्टी की लहर की बात नहीं कर रहा था, कोई इंडिया गठबंधन की लहर की बात नहीं कर रहा था, इनफैक्ट जब समाजवादी पार्टी की लहर की बात यूपी में लोग कर रहे थे तो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे कि पता नहीं कौन सी दुनिया में जीते हैं। केपी मलिक उन लोगों में से एक है जिन्होंने शुरुआत में ही बता दिया था हर चरण वाइज कि इस सीट में समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए और ये सीट समाजवादी पार्टी निकाल लेगी, और एग्जैक्टली काफी हद तक नतीजे वैसे ही आए हैं। इसीलिए केपी मलिक की ये बात हमें बड़े गौर से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि ये ना केवल बीते हुए कल की बात बताता है बल्कि इस बात के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सरकार की सेहत कितनी खराब हो सकती है आने वाले वक्त में। देखिए वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक कहते हैं, अब खुल रही है परतें। संघ चाहता था कि मोदी के अलावा भाजपा का कोई और नेता प्रधानमंत्री बने, इसके लिए भाजपा संसदीय दल की बैठक में किसी और को नेता चुनने की योजना बनाई गई थी। मोदी शाह ने बड़ी चाल चलते हुए भाजपा संसदीय दल की बैठक ही नहीं होने दी, उन्होंने सीधे एनडीए की ही बैठक बुला ली, उसमें भी भाजपा सांसदों के अलावा पार्टी के मुख्यमंत्री और अन्य नेता घुसा दिए। मोदी ने अपने आप को नेता चुनने का प्रस्ताव पास करा लिया, परंतु भाजपा के सांसदों ने उन्हें अपना नेता वास्तव में चुना या नहीं चुना ये किसी को नहीं पता। साल 2014-19 में मोदी भाजपा के संसदीय दल के नेता चुने गए थे, एनडीए के नहीं। इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? राजनीतिक दल केवल अपने अपने संसदीय दलों के नेता ही चुन सकते हैं और दूसरी पार्टी को केवल समर्थन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ बड़ा गेम हुआ है। इस सारे घटनाक्रम से आहत होकर संघ के बयान आ रहे हैं, खेला अभी बाकी है। दोस्तों जो बात केपी मलिक बोल रहे हैं वो खाली हवाबाजी नहीं है, बात बिल्कुल सही है कि 2014 में 2019 में ऐसा ही हुआ था, और यही तरीका है। आपने देखा होगा जब एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी तो पहले जेडीयू संसदीय दल की बैठक हुई, उसमें नीतीश कुमार को नेता चुना गया, है ना। ऐसे हर दल अपने संसदीय दल की बैठक करता है जिसमें जीते हुए सांसद बैठते हैं, वो अपना नेता चुनते हैं कि हमारी पार्टी से हम इसे चुनते हैं, उसके बाद गठबंधन के लोग बैठते हैं, तरीका यही है। लेकिन जो काम 2014 में हुआ 2019 में है वो 24 में कैसे होता, क्योंकि 14 और 19 में अपने दम पर बीजेपी सत्ता में आई थी और 24 में नहीं आई थी। तो ये केपी मलिक कहते हैं कि संघ ये चाहता था कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो और बीजेपी संसदीय दल की बैठक में किसी और नेता के नाम पर प्रस्ताव आए और उसके बाद वहीं पर बैठक में ही खेला हो जाए, इसीलिए मोदी जी ने ऐसा होने नहीं दिया। मोदी ने क्या किया, एनडीए की बैठक बुला ली और एनडीए की बैठक में भी योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा जैसे मुख्यमंत्रियों को भी बुला ली, मतलब एक बहुत ही फॉर्मल बैठक करवा ली, और बैठक भी बड़ी मीडिया के बीच में, कैमरों के बीच में, कोई बंद कमरे में नहीं हुई, क्योंकि अमूमन संसदीय दल की बैठकें जो होती है वो बंद कमरे में होती है, वहां कैमरे वैमरे अलाउड नहीं होते हैं। तो संघ के प्लान को इस तरह से विफल कर दिया मोदी ने, शाह ने, ये कहना है केपी मलिक का। आप ये सूत्रों के हवाले से उनके सूत्र होंगे वो जाने, लेकिन हम इस खबर को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर ऐसा है तो संघ इतना कमजोर है क्या? अगर संघ चाहता तो मोदी जी को फोन करता, या संघ चाहता तो बीजेपी में दबाव बनाता, क्योंकि लोग तो यही कहते हैं कि संघ की कोख से ही निकली है बीजेपी, ठीक है। तो संघ ने ऐसा नहीं किया, संघ इतना कमजोर है क्या? क्या अभी भी बीजेपी के ऊपर जो पूरी की पूरा वर्चस्व है वो मोदी शाह का ही है? तो इसका जवाब दोस्तों हाँ और ना के बीच कहीं आकर सिमटता है। जो पार्टी होती है ना, जो राजनीतिक दल होता है ना, वो सेना नहीं होता कि वहाँ एक सेनापति जो कहे आदेश दे और वैसे चले, वहाँ हर तरह के सुर होते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी में कई बार ऐसा होता है केंद्रीय नेतृत्व कोई फैसला लेता है, राज्य की तरफ से बयानबाजियाँ शुरू हो जाती, पार्टियों में ऐसा होता रहा है, बीजेपी के अंदर भी ऐसा होता रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों में वो होना बंद हो गया, बड़ी अनुशासन में आ गई पार्टी और किसी की हिम्मत नहीं होती थी मोदी और शाह के आगे बोलने की। मोदी जी तो कमरे में आते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था, मोदी जी बैठते थे सारे मंत्री खड़े होते थे, लेकिन स्थितियां बदली और उस बदली हुई परिस्थिति में आरएसएस ने, अगर केपी मलिक की बात को सही मान ले तो आरएसएस ने हो सकता है ऐसा प्लान बनाया हो, और ऐसे प्लान की भनक लग गई
तो क्या इसीलिए बीजेपी संसदीय दल की बैठक ही नहीं बुलाई गई? और अगर ऐसा है, आरएसएस नहीं चाहता था कि मोदी जी तीसरी बार पीएम बने, फिर भी मोदी जी पीएम बन गए और इसीलिए आरएसएस अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है, तो ये तो नाराजगी लंबी चलेगी। मतलब ये तो खैर मैं आपको पिछले 2-3 दिन से बता रही हूँ कि ये जो बयानबाजी का दौर है ये अब चलता रहेगा, रोज बयानबाजियां होंगी, खूब आरएसएस की तरफ से रोज डांट टपट आएगी। लेकिन इसके एक पहलू है दोस्तों, एक पहलू ये कि आरएसएस चाहता है कि बीजेपी पुरानी वाली बीजेपी हो जाए, क्योंकि हाल के दिनों में बीजेपी में जो दूसरे दल के नेताओं की घुसपैठ हुई है उससे बीजेपी की जो मजबूती थी, कैडर बेस्ड पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो कार्यकर्ताओं की वजह से जिंदा है, उसको बहुत क्षति पहुंची है, बहुत नुकसान पहुंचा है। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसमें भी संघ की चलेगी, उसमें किसी यस मैन को बिठाने के पक्ष में नहीं है आरएसएस। आरएसएस चाहता है कि बीजेपी वो 10 साल पुरानी वाली बीजेपी बन जाए। मोदी और शाह के रहते हुए दोस्तों ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन अब मोदी शाह के पास चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। मोदी और शाह को बीजेपी के अंदर जो विरोध की आवाज़ें उठ रही हैं उनको भी डील करना है, गठबंधन के सहयोगियों को भी डील करना है, आरएसएस को भी डील करना है। हालांकि उसका बहुत सारा काम गोदी मीडिया आसान कर देती है, लेकिन गोदी मीडिया को तो आप जानते हैं पलटने में सेकंड नहीं लगाएगी। जब गोदी मीडिया कोई या गोदी मीडिया के मालिकों को ये समझ में आएगा कि सत्ता शिफ्ट हो रही है बीजेपी के अंदर, तो वो भी ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में लगेगा टाइम, मैं बार बार कह रही हूँ, इस साल के अंत तक, नवंबर दिसंबर तक आपको समझ में आ जाएगा कि केंद्र में मोदी जी की राजनीति कितनी लंबी चलेगी। हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र के इलेक्शंस में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहता है इस पर डिपेंड करता है कि मोदी जी की भविष्य की राजनीति कैसी होती है। अब अगर लोग ये कह रहे हैं कि 24 के चुनाव में आरएसएस घर से बाहर नहीं निकली, बीजेपी का वैसे सपोर्ट नहीं किया जैसे 14 और 19 में किया था, तो इन 3 राज्यों में क्या आरएसएस बीजेपी का सपोर्ट करेगी पहले की तरह, या फिर वैसे ही हाथ उठा लेगी जैसे 24 के चुनाव में किया? अब इस पर सबकी निगाहें हैं, मतलब आरएसएस के अंदर क्या गेम प्लान चल रहा है, क्योंकि आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात भी है। बहुत सी चीजें हम छन छन कर आएंगे दोस्तों, लेकिन अच्छी बात यह है कि खबरें आती रहेंगी। पिछले 10 सालों में सरकार के बीच जो एक सीक्रेसी वाली बात रही ना, और उसको बड़े जश्न के तौर पर मोदी जी इसको कैरी करते थे कि इस सरकार में तो खबरें नहीं आती, गलत बात है। सरकार हो या पार्टी हो, खबरें आती रहनी चाहिए, तभी तो जनता को पता चलेगा सरकार कैसी चल रही है। तो अब होगा क्या, आने वाले वक्त में सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा कम होगी, बीजेपी के अंदर किसी सिर फुटा हुआ है उस पर चर्चा होगी, और इस बीच, इन सब के बीच बीजेपी के अंदर एक नया पावर सेंटर तो खड़ा होकर रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। अब वो पावर सेंटर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के इर्द गिर्द खड़ा होता है, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द खड़ा होता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि संघ का हाथ अब केवल मोदी जी के सर पर नहीं है, संघ का हाथ अब बीजेपी के कई उन नेताओं के सर पर है जिन पर हमेशा से संघ का हाथ रहा है। संघ भी चाहती है कि सरकार बीजेपी की ही रहे, लेकिन चले उसके। अब ये होगा कैसे, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अगर स्थितियां यहां तक थी कि संघ चाहता था कि संसदीय दल की बैठक हो और मोदी जी को नेता ना चुना जाए, और मोदी जी ने होने नहीं दिया, तो आप सोचिए कि जमीन पर दोनों ही के बीच, बीजेपी और आरएसएस के बीच कितनी जबरदस्त ट्रस्ट डेफिसिट है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।